हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अब मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूँ लाल किले के साथ में जो दूसरा मेला चल रहा है लवकुश मेला, उसी मेले में। इस वीडियो में आप लोगों को इस मेले से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ का लोकेशन क्या रहेगा, टिकट क्या रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा, अंदर आप कौन कौन से झूले झूल सकते हैं, क्या खरीद सकते हैं, क्या खा पी सकते हैं, यहाँ तक आप कैसे आ सकते हैं, सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ का लोकेशन रहेगा लाल किले के सामने 15 अगस्त पार्क का, और यहाँ तक आने के लिए सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन भी लाल किले का होगा। गेट नंबर 4 से आपको एग्जिट करना है, एग्जिट करते ही आप मेला देख पाएंगे। हेरिटेज पार्क के साथ में ये पार्किंग एरिया बनाया हुआ है, और यहाँ पे पार्किंग चार्ज 2 व्हीलर के लिए 30 रुपए रहेगा 1 से 3 घंटे के लिए, और 4 व्हीलर के लिए पार्किंग चार्ज रहेगा 1 से 5 घंटे के लिए 100 रुपए। तो दोस्तों, ये पार्किंग एरिया इस मेले से सबसे नजदीक वाला पार्किंग एरिया रहेगा, और यहाँ से आप निकल के ना, जैसे बाहर निकल के सामने आप देख सकते हैं वो आपको झूला दिख रहा होगा, तो यहाँ से बस 2 मिनट आप चल के जाएंगे आपको मेला दिख जाएगा। बस से आना चाहते हैं तो ये लाल किला का बस स्टॉप होगा, ये कुछ बस नंबर रहने वाले हैं, इन बसों में बैठ के आप इजीली यहाँ तक पहुँच पाएंगे। इस तरफ ये जो मेला है ये सिर्फ VIPO के लिए है, और लाल किले के जो इस तरफ है ये कोई भी जा सकता है। ये 15 अगस्त वाले पार्क में, और 15 अगस्त वाला जो मेला चल रहा है 15 अगस्त पार्क में, इसमें बहुत सारे झूले लगे हैं, 30 से ज़्यादा झूले आप देख पाएंगे। तो दोस्तों, लवकुश वाला जो मेला चल रहा है उस मेले के जस्ट बाहर ही आप देखते हैं इस तरह से काफ़ी कुछ आप खा सकते हैं, स्ट्रीट फूड्स, गुब्बारे खरीद सकते हैं। मेले का एंट्रेंस बनाया हुआ है और हम लोग जा रहे हैं मेले के अंदर, पूरा मेला दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, देख सकते हैं क्रॉस वाला झूला होगा, 2 जैंट व्हील होगा एक ही सीध में, तो बहुत ही ज़्यादा शानदार ये मेला लगा हुआ है। बहुत बड़े बड़े झूले आप यहाँ पर झूल सकते हैं, और इस तरफ भी बहुत सारे झूले होंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर रामलीला चल रहा है, रामलीला। तो दोस्तों, लवकुश कमेटी की तरफ से जो रामलीला चल रहा है इसके अंदर जाने के लिए आपको पास लेना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट बगल में इस साइड में पास मिल रहा है, तो आप अगर अंदर जाके रामलीला देखना चाहते हैं तो इधर से आपको पास मिल जाएगा इस साइड से। अभी मैं अपनी शक्तियों का उपयोग करके देव ऋषि नारद की तपस्या को भंग कर दूंगा। सर्वप्रथम मैं किसी बाण का प्रयोग करता हूं। आप यहाँ पे पॉपकॉर्न वगैरह खा सकते हैं। कितने का होगा पैकेट? 20 रुपए का पॉपकॉर्न पैकेट होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ा फूड कोर्ट एरिया बनाया गया है, चलते हैं अंदर आपको दिखाते हैं अंदर आप क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं, कितने में खा पी सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रूट चाट खा सकते हैं आप, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, कुल्फ़ी रबड़ी केसर पिस्ता, कुल्फ़ी फालूदा, कुल्फ़ी अनार, काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पर खा सकते हैं। इस तरफ आप गोलगप्पे खा सकते हैं, इस तरफ भल्ला पापड़ी होगा, कलमी वड़ा होगा, और इस तरफ आप आलू चाट खा सकते हैं, फ्रूट चाट खा सकते हैं, मटरा कुलचा खा सकते हैं आप यहाँ से, काठी कबाब खा सकते हैं। Thank you.
अरे उछालने वाले देख, ये देख सकते हैं फ्रूट चाट खा सकते हैं आप यहाँ से। पाव भाजी खा सकते हैं, दाल चीला खा सकते हैं, चौमीन खा सकते हैं, और इस तरफ देख सकते हैं नान, मिष्टी रोटी, मटर कोरमा, दाल मखनी, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं, सरसों का साग, मक्की की रोटी, गुड़ मक्खन, ये दाल बाटी चूरमा, छोले भटूरे अचार। तो खाने पीने के लिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कुछ भी खाने से पहले आपको यहाँ से टोकन लेना पड़ेगा, तभी जाके आप कुछ भी खा सकते हैं यहाँ पे। जाएगा है बनारस फायर पान, चॉकलेट पान, कई तरह के पान आप यहाँ पे खा पाएंगे। बालाजी मोमोज की तरफ से वेज मोमोज, स्प्रिंग रोल, पनीर मोमोज, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से खा सकते हैं। फूड कोर्ट बनाया हुआ है तो यहाँ पे भी आप काफ़ी कुछ खा सकते हैं। छोले भटूरे होगा, राधा कृष्ण चाट, छोले भटूरे, छोले चावल, काफ़ी बड़ा यहाँ पे फूड कोर्ट बनाया गया। देखो डक राइड बच्चों के लिए, डक राइड होगा, 50 रुपये का टिकट रहेगा इसका। ड्रैगन ट्रेन वाला झूले का 100 रुपये टिकट रहेगा। ट्रम्पलिन लगाया हुआ है, इसका टिकट 50 रुपये रहने वाला है यहाँ पे। और यहाँ पे ब्रेक डांस होगा, इसका टिकट यहाँ पे 100 रुपये रहेगा। बाकी इस तरफ आप देख सकते हैं ये कोलंबस वाला झूला होगा, इसका टिकट यहाँ पे 100 रुपये रहेगा। उसके जस्ट बगल में जायंट व्हील वाला झूला होगा, उसका टिकट 100 रुपये रहेगा। बर्गर खा सकते हैं आप यहाँ से, चाट खा सकते हैं, पापड़ी चाट, गोलगप्पे। कैटरर्स की तरफ से यहाँ पे एक शॉप है, काफ़ी कुछ आप यहाँ पे खा सकते हैं। लस्सी बन रहा है और दही की ठंडी मीठी लस्सी, तो आप यहाँ पे लस्सी भी पी सकते हैं। बॉम्बे भेलपुरी, बॉम्बे सेब पूरी, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे खा सकते हैं। कितने का रहेगा? 50 रुपये का रहेगा, 50 रुपये का रहेगा इसका। आप यहाँ पे स्मोक बिस्किट खा सकते हैं, कितने का होगा? 50 रुपये का, 50 रुपये का होगा। ये बिस्किट खा के आप इस तरह से मुंह से धुआं निकाल सकते हैं। इस तरफ भी एक क्रॉस वाला झूला होगा, इसका भी टिकट यहाँ पे 100 रुपये रहेगा। और जायंट व्हील आप देख सकते हैं, 2-3 जायंट व्हील लगे हुए हैं यहाँ पे सामने। और इधर भी आप शूटिंग वाला गेम खेल सकते हैं। इधर ड्रैगन ट्रेन का और एक झूला यहाँ पे लगा हुआ है। वाले मेले में भी आप कैटरपिलर वाला झूला झूल सकते हैं, 60 रुपये का इसका टिकट रहेगा। तो बच्चों के लिए इस तरह का झूला होगा, 50 रुपये का टिकट रहेगा इसका। ये छोटा छोटा सा यहाँ पे जायंट व्हील वाला झूला लगा हुआ है, इसका भी टिकट यहाँ पे 50 रुपये रहेगा। छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे टॉय ट्रेन राइड होगा, इसका भी टिकट यहाँ पे 50 रुपये रहने वाला है। देखिए तो बच्चे कितना इन्जॉय कर रहे हैं। आइसक्रीम के लिए देख सकते हैं कितना क्राउड है, कितना भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे। जायंट व्हील वाला झूला आप झूलेंगे तो इसका टिकट यहाँ पे रहेगा 100 रुपये। सारे जायंट व्हील, जो जितने भी जायंट व्हील दिख रहे हैं, सबके टिकट यहाँ पे 100 रुपये रहने वाले हैं। और जो कोलंबस वाला झूला है उसका भी टिकट यहाँ पे 100 रुपये रहेगा। इसमें इस तरह से आइसक्रीम के ठेले वगैरह भी आपको दिख जाएंगे। ये और एक कोलंबस वाला झूला स्टार्ट हो गया है, इसका भी टिकट यहाँ पे 100 रुपये रहेगा। लवकुश रामलीला महोत्सव में भी आप ये रेंजर वाला झूला झूल पाएंगे। ये वाला जो कोलंबस राइड है, लाइटिंग कितनी अच्छी की है इसमें, इतना शानदार लग रहा है। भाई कितने ऊपर तक जा रहा है, ओ भाई साहब। ₹30 का टिकट रहेगा इसका, 30 रुपये। मधु सांस्कृतिक नृत्य कला होगा, 50 रुपये टिकट रहेगा इसका। संगम कलर फोटो स्टूडियो होगा, तो फोटो भी आप यहाँ पे खिंचवा सकते हैं। ये बंदर बनाया हुआ है फोटो स्टूडियो।